भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को रायपुर ग्रामीण भाजपा प्रत्याशी नंदे साहू के पक्ष में आम सभा को संबोधित करने बिरगांव के अडवाणी स्कूल पहुंचे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका है, मतलब राम भगवान का ननिहाल है। चुनाव के दौरान मुझे छत्तीसगढ़ की जनता से मुलाकात करने का मौका मिला। भाजपा ने 65+ का लक्ष्य रखा है और चौथी बार भाजपा सरकार बना रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 15 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ में रोड, बिजली, अच्छे स्कूल नहीं थे, किसान आत्महत्या करते थे, लोग पलायन करते थे। रमन सिंह छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य को विकास की ओर ले गए। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वोट देने का मतलब नहीं, अगर हाथी हल चलाने लगा तो हल चलाने वाले का क्या होगा। हाथी गणेश का प्रतीक है, लेकिन बसपा के हाथी का पेट कभी भरता नहीं है। मेरा मानना है कि चौथी बार रमन की सरकार बनेगी और नक्सलवाद खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से उभार करके देश के समृद्ध राज्यों की श्रेणी में ला करके खड़ा किया है। सचमुच डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व की ये पूरी टीम अभिनंदन की पात्र है कि हल को चलाने के लिए बैल तो देखे थे, भैंसा गाड़ी भी देखी थी, लेकिन हाथी अगर हल को चलाने लग जाएगा तो हल चलाने वाले का तो दम टूट ही जाएगा। हाथी गणेश का प्रतीक है, लेकिन बसपा का हाथी इसका पेट कभी भरता ही नहीं है। जिस कांग्रेस ने नक्सलवाद दिया था विरासत में छत्तीसगढ़ को, इस नक्सलवाद से मुक्ति किसी ने दिलाई है और आज उसको सीमित दायरे तक कैद करके रख दिया है। और मेरा मानना है चौथी बार डॉक्टर रमन सिंह आएंगे, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के हमेशा के लिए समाप्त होगा। For more information, log on to www.clips.in.